नमस्ते, स्वागत है माँ की रसोई में। आज माँ की रसोई में आलू गोभी की सब्जी बनने जा रहा है। नहीं सोचा गोभी भी तो नहीं मिलता है, लेकिन आजकल सब मिलता है, सालों भर मिलता है। हाँ, बिहार की सब्जी शादी पार्टी में बहुत आलू गोभी का सब्जी पसंद किया जाता है, तो आज हम पार्टी वाली सब्जी सेट करने जा रहे हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है और इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं। आलू गोभी को पहले भून लेते हैं थोड़ा सुनहरा होने तक। नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं। ये आलू गोभी में नमक भूल जाएगा, जैसा हल्दी मसाला भून लेना। आलू बना रहे हैं, आलू गोभी हम टमाटर काट लेते हैं। दो टमाटर लिए हैं, काट लेते हैं छोटे छोटे पीस में। बना रहे हैं सब्जी, आज बार लिए हैं आलू गोभी। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें तेल डाल रहे हैं। तेल ज्यादा ही गर्म हो गया है, इसमें फोरन डाल दे रहे हैं। तेज पत्ता है, जीरा है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची है और दो दालचीनी है। ये प्याज डाल दे रहा है, प्याज भून लेते हैं। मैंने इसे लाल करके भून लेना है। प्याज भूनेगा थोड़ा सा, भुना दिया थोड़ा और भूनेंगे। भुना दिया है, इसमें टमाटर में डाल देगा। प्याज टमाटर भुना गया, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं मसाला गले में। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गल मिर्च पाउडर छोटा चम्मच, जीरा पाउडर छोटा चम्मच, मिला लेते हैं मसाला भूनने के साथ। टमाटर प्याज को मसाला भुना गया है, इसे सब्जी मिला लेते हैं। नमक कम डाले थे तो थोड़ा सा और डाल देते हैं मसाला के साथ।
और उसमें पानी डाल देना। ग्रेवी अपने अंदाज से डालिए, जरा सा कम डालिए या ज्यादा डालिए अपने अंदाज से। गरम मसाला डाल देना 1 चम्मच,